Now let's move on to an interesting data type, that is sets. तो सेट्स बेसिकली वही डेटा टाइप है, एक्चुअली ये वही चीज़ है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स में, सेट यूनियन, सेट इंटरसेक्शन, ये वही चीज़ है, बस पाइथन में एज अ डेटा टाइप अवेलेबल है। ठीक है, अब बिफोर स्टार्टिंग सेट्स मैं आपको चार रूल्स बताना चाहूँगा सेट्स के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये चार रूल्स याद हो गए ना, तो आप सेट पे बेस्ड कोई भी एमसीक्यू क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, क्योंकि सेट्स में गलती तभी होती है जब आपको इन चार रूल्स के बारे में पता नहीं होता। ठीक है, तो रूल नंबर वन, सेट्स डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स, दिस इज द फर्स्ट रूल। ठीक है, सेकेंड, सेट्स हैव नो इंडेक्सिंग, फॉर दैट मैटर स्लाइसिंग भी नहीं होता। ठीक है, थर्ड, सेट्स डोंट अलाउ म्यूटेबल डेटा टाइप्स, मतलब सेट के अंदर आप कभी भी म्यूटेबल डेटा टाइप्स को नहीं रख सकते। फोर्थ, सेट इटसेल्फ इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। ये चार रूल्स हैं गाइस, मैं एक बार रिपीट करता हूं, सेट के अंदर आप कभी भी डुप्लीकेट्स नहीं रख सकते। ठीक है, सेकेंड, सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होता, मतलब अगर आपने एक आइटम को सेट के अंदर डाल दिया, आप उसको इंडेक्सिंग से वापस निकाल नहीं सकते। स्क्वायर ब्रैकेट 0, स्क्वायर ब्रैकेट -1 विल नॉट वर्क, स्लाइसिंग भी काम नहीं करेगा। ठीक है, थर्ड, सेट्स के अंदर म्यूटेबल डेटा टाइप्स नहीं जा सकते, जैसे कि लिस्ट नहीं जाएगा। फोर्थ, सेट खुद भी म्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब सेट खुद भी सेट के अंदर नहीं जा सकता। तो क्या 2D सेट्स पॉसिबल होंगे? सोच के देखो, 2D सेट का मतलब क्या हुआ, सेट के अंदर एक सेट होना चाहिए, बट सेट के अंदर एक सेट नहीं हो सकता क्योंकि सेट खुद म्यूटेबल है, और बाय डेफिनेशन सेट के अंदर यू कैन नॉट पुट म्यूटेबल डेटा टाइप्स। तो 2D सेट्स, 3D सेट्स आर नॉट पॉसिबल, होता नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, सेम वही ऑर्डर हम लोग फॉलो करेंगे, क्रिएट, एक्सेस, एडिट, डिलीट, वही ऑर्डर फॉलो करेंगे, बट मैं आपको ये चारों रूल्स प्रूफ करके दिखाऊंगा कि हाँ ऐसा सच में होता है। ठीक है, सो या लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएटिंग अ सेट। ठीक है, सेट क्रिएट करना, लेट्स से हमको एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, तो एम्प्टी सेट क्रिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको लगेगा कि सेट क्रिएट हो गया बट ये सेट नहीं है। आई कैन एक्चुअली प्रूफ दिस, टाइप फंक्शन के अंदर अगर मैं S1 डालू, यू कैन सी ये डिक्शनरी बना है। सो आई थिंक यू ऑलरेडी नो कि डिक्शनरी भी कर्ली ब्रेसेस यूज करता है और सेट्स भी कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, बट पाइथन ने डिफॉल्ट बिहेवियर डिक्शनरी का रखा है, तो जब भी आप ये कोड लिखोगे तो हमेशा एक एम्प्टी डिक्शनरी बनेगा रादर देन एम्प्टी सेट। तो अगर आपको एम्प्टी सेट बनाना है तो आपको ये कोड यूज करना पड़ेगा, दिस इज एन एम्प्टी सेट। ऑब्वियसली मैं आपको टाइप करके भी दिखा सकता हूं, बट आई गेस आपको समझ में आ चुका है। ठीक है, एम्प्टी सेट क्रिएट करना इस फंक्शन से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, नाउ आई विल क्रिएट अ होमोजीनियस सेट जिसमें सारे आइटम्स का डेटा टाइप सेम होगा, दिस इज अ होमोजीनियस सेट। ठीक है, आई कैन ऑल्सो हैव अ हेट्रोजीनियस सेट जहां पे अलग अलग डेटा टाइप्स को एग्जिस्ट करेंगे सेट के अंदर, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो वी हैव हेलो, वी हैव 4.5, वी हैव ट्रू, ठीक है, और ये रहा S2। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब आई विल प्रूव दिस फर्स्ट रूल दैट सेट्स डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स। ठीक है, सो आई विल क्रिएट S3, दिस इज इक्वल टू 1,1, 2,2, 3,3, और अगर मैं S3 को प्रिंट करूं, यू कैन सी ऑटोमेटिकली इंटरनल मैकेनिज्म के हिसाब से सारे के सारे डुप्लीकेट्स हट गए और आपके पास सिर्फ क्या बचा, यूनिक आइटम्स। ठीक है, ये प्लीज याद रखना, डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। ओके, नाउ आई विल प्रूव द थर्ड रूल, सेट्स डोंट अलाउ म्यूटेबल डेटा टाइप्स। सो हम एक सेट बना रहे हैं S4, और इसमें आई एम गोइंग टू पुट अ लिस्ट 1,2,3, और बाहर में आई एम गोइंग टू पुट अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बाय द वे आपको पता है इज इम्यूटेबल, तो एरर आ गया बिकॉज ऑफ दिस लिस्ट। बट अगर मैं ये सेम काम
एक टपल के साथ करूं जो आपको पता है क्या होता है, इम्यूटेबल, स्ट्रिंग भी क्या होता है इम्यूटेबल, तो एस फोर विल बी क्रिएटेड। किसी को इस पॉइंट पे कोई डाउट आ रहा है, इस कोड को देख करके कोई डाउट आ रहा है? आना चाहिए एक डाउट। डाउट ये हो सकता है कि हेलो आपने बाद में लिखा था, मतलब मैंने बाद में लिखा था, बट जब सेट फॉर्म हुआ तो हेलो पहले कैसे आ गया, ये ऑर्डरिंग कैसे चेंज हुआ? इसका रीजन है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेट्स हैव नो इंडेक्सिंग, मतलब वो ऑर्डर फॉलो नहीं होता जिस ऑर्डर में हम भेजते हैं, ठीक है? बट ऐसा क्यों होता है? अगर इंडेक्सिंग फॉलो नहीं होता है तो क्या लॉजिक फॉलो होता है? द आंसर इज हैशिंग। हैशिंग, सो हैशिंग क्या होता है? हैशिंग इज अ टेक्निक जिसको यूज करके आप एक डेटा स्ट्रक्चर में आइटम किस पोजीशन पे जाएगा ये डिसाइड करते हो, ठीक है? इट्स अ प्रॉपर एल्गोरिथमिक टेक्निक और ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डीएस एल्गो पढ़ रहे होंगे। बट इस पॉइंट पे अगर आपसे कोई भी पूछे कि इतना रैंडमनेस क्यों शो कर रहा है सेट, कहीं की चीज कहीं जा रही है, कल भी क्लास में कुछ ऐसा हुआ था जहां पर सेट ने मिसबिहेव किया था, सो द आंसर फॉर दैट इज हैशिंग। और एग्जैक्टली हेलो क्यों पहले गया, इसका रीजन हमें पता चलेगा जब हम हैशिंग पढ़ेंगे, जहां पे हम हैशेस कैलकुलेट करते हैं और फिर इंडेक्स पोजिशन निकलता है और वी गेट द आइडिया कि ओके ये चीज यहां पे जाके बैठेगी, ये चीज यहां पे जाके बैठेगी, ठीक है? सो अभी कंफ्यूज मत होना, जब भी सेट्स ऐसे मिसबिहेव करे इट्स बिकॉज ऑफ हैशिंग, ठीक है? ओके, सो हमने ये प्रूव कर दिया, हमने ये भी प्रूव कर दिया और हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि 2D सेट्स आर नॉट पॉसिबल। सो आई विल क्रिएट S5 और इसके अंदर आई विल ट्राई टू पुट वन मोर सेट एंड दिस इज अ सेकेंड सेट एंड दिस विल थ्रो एन एरर। ये वर्ड पे भी फोकस करना, इट सेज अनहैशेबल टाइप सेट, ठीक है? यहां पे भी इसने लिखा था अनहैशेबल टाइप लिस्ट, ये दोनों ही क्योंकि म्यूटेबल डेटा टाइप्स हैं इसलिए ऐसा हुआ। सो बाय डेफिनेशन यू कैन नॉट क्रिएट 2D और 3D और 4D सेट्स, ठीक है? सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू एक्सेसिंग आइटम्स। लेट्स डू हाउ टू एक्सेस आइटम्स, ठीक है? सो मेरे पास S2 है, मेरे पास S1 है और लेट्स से मुझे S1 में से 1 को निकालना है और अब मैं प्रूफ करने वाला हूं बाय द वे दिस रूल कि इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग नहीं होता, ठीक है? सो अगर मैं लिखूं S1 स्क्वायर ब्रैकेट 0, यू कैन नॉट डू दैट। यहां पे देखो लिखा हुआ है सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, ठीक है? पॉजिटिव इंडेक्सिंग भी काम नहीं करेगा, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी काम नहीं करेगा, ठीक है? और इवन दैट इवन स्लाइसिंग भी काम नहीं करेगा, ठीक है? सो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया। तो बेसिकली ये वाली चीज यहां पे काम करती नहीं है, यू कैन नॉट एक्सेस आइटम्स आउट ऑफ अ सेट, नहीं निकाल सकते, नॉट पॉसिबल, ठीक है? तो नाउ कम्स द क्वेश्चन, कैन वी एडिट आइटम्स, क्या हम आइटम्स को एडिट कर सकते हैं? ये काम ही नहीं करता है, यू कैन नॉट एडिट आइटम्स। अब कुछ लोग यहां पे ऐसा सोच सकते हैं कि व्हाट इफ हम एक काम करें कि हम सेट्स को लिस्ट में कन्वर्ट कर दें, लिस्ट में इंडेक्सिंग होता है उसको चेंज कर दें और फिर वापस सेट में कन्वर्ट कर लें। डू यू थिंक ये तरीका काम करेगा, एडिटिंग होगा इससे? व्हाट डू यू थिंक गाइस? मैं क्या बोल रहा हूं कि आप सेट को लिस्ट में कन्वर्ट करो, लिस्ट में एडिटिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर दो वापस सेट में कन्वर्ट करा लो, ये काम नहीं करेगा। मतलब काम हो जाएगा बट आपने एक्चुअली एडिटिंग नहीं किया। उसका रीजन क्या है कि आपने एक नया सेट बनाया, मतलब वो सेम सेट में एडिटिंग नहीं होगा। आई कैन एक्चुअली प्रूव दिस, ध्यान से देखना, ये रहा S1 और ये रहा S1 का मेमोरी एड्रेस, यहां पर स्टोर्ड है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाया L विच इज टाइप कन्वर्जन ऑफ S1, यहां तक ठीक है, दिस इज L। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 के बदले 100 कर रहा हूं, सो आई वुड राइट L का 0 इज इक्वल टू 100, सो नाउ L इज दिस। अब मैंने क्या किया, मैंने लिखा S1 इज इक्वल टू सेट ऑफ L और ये रहा मेरा S1, दिस इज अ डिफरेंट सेट, देख लो एक बार। अब अगर आप आईडी निकालो S1 का, इट्स अ डिफरेंट आईडी। तो आपने जब तक एडिटिंग का मतलब क्या हुआ कि उसी मेमोरी एड्रेस में आप चेंज कर पाओ चीजों को, वो तो हो नहीं रहा। आप तो कंप्लीटली नए एड्रेस पे एक नया सेट बना करके उसमें कुछ डाल रहे हो, तो उसको एडिटिंग थोड़ी ना बोलेंगे, दिस इज नॉट एडिटिंग। सो इन शॉर्ट यू कैन नॉट एडिट सेट्स,
यू कैन नॉट, मैकेनिज्म नहीं है अवेलेबल. ऑल दो सेट्स आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स, बट आइटम्स को ना आप एक्सेस कर सकते हो, और अगर एक्सेस नहीं कर सकते तो आप उसको एडिट भी नहीं कर सकते. आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है. ठीक है, नाउ कैन वी डिलीट आइटम्स, कैन वी एड आइटम्स, एडिट तो नहीं कर सकते, कैन वी एड आइटम्स? द आंसर इज येस. आप एग्जिस्टिंग सेट में, लाइक हमारे पास एस वन है, यू कैन एड आइटम्स बाय यूजिंग द एड फंक्शन. लेट्स से मुझे 6 ऐड करना था और ये रहा एस वन. ठीक है, तो अगर आप ऐड कर पा रहे हो, मेमोरी वही है, मतलब आई कैन एक्चुअली प्रूव दिस कि ऐड करने से मेमोरी चेंज नहीं हो रहा. ये रहा, अब मैं एस वन डॉट ऐड करके 7 ऐड करूंगा. ये रहा मेरा एस वन, और आईडी ऑफ एस वन यू विल फाइंड कि अभी भी सेम है. दिस प्रूव्स कि आप इन प्लेस मेमोरी में उसी एड्रेस पे एड कर पा रहे हो आइटम्स को. तो दिस प्रूव्स दैट सेट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप. सो हमने ये लास्ट पॉइंट प्रूव किया अभी, दिस वन. ठीक है, सो ऐड कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हो. सो डिलीट करने के 3 मैकेनिज्म्स होते हैं. फर्स्ट डेल कीवर्ड, सेकंड रिमूव, थर्ड पॉप. ठीक है, डेल कीवर्ड आपको पता है, लेट्स से आपके पास एस वन है और आपने क्या किया, एस वन मुझे डिलीट नहीं करना है, एस टू है, लेट्स से आपने डेल एस टू लिख दिया, एंड दस दैट विल डिलीट द एंटायर सेट. ठीक है, अब कैन वी डू दिस, कोई सोच के बताना. एस वन जीरो, मैं इस सेट का फर्स्ट आइटम को डिलीट कर रहा हूं, ये होगा? अगर आप अभी तक का क्लास सही से फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि देर इज नो इंडेक्सिंग, सो दिस कोड विल नॉट वर्क. तो आपका डेल कीवर्ड पूरे के पूरे सेट पे लगेगा, बट इंडिविजुअल आइटम्स या सेट ऑफ आइटम्स के ऊपर नहीं लगेगा. ठीक है, सो प्लीज बी केयरफुल विद दिस कोड. नेक्स्ट होता है रिमूव. रिमूव सही चीज होती है कि आप अपने हिसाब से कोई भी आइटम को रिमूव कर सकते हो. लेट्स से मुझे 100 को रिमूव करना है, तो आई वुड यूज दिस कोड एंड इट विल रिमूव अपना 100 को, और मेमोरी चेंज नहीं होगा, एड्रेस चेंज नहीं होगा. तो अगेन इट्स अ म्यूटेबल ऑपरेशन. ठीक है, यू कैन ऑल्सो पॉप, एस वन डॉट पॉप. ये जो सबसे लास्ट वाला आइटम होगा उसको पॉप करता है. अब आपको लग रहा होगा 7, बट इट विल बी 2. क्यों? अगेन बिकॉज ऑफ हैशिंग. सो हैशिंग के हिसाब से सबसे लास्ट वाले जो एड्रेस है वहां पर 2 स्टोर्ड है. मतलब इस तरीके से ही स्टोरेज होता है सेट्स के अंदर. हम ये डिस्कस करेंगे जब हम हैशिंग पढ़ेंगे, हम सेट्स को पूरा डिस्कस करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ऐसा पॉप उल्टा बिहेवियर क्यों शो कर रहा है. ठीक है, 5 फिर 4 ऐसे करके डिलीशन होगा. ठीक है, तो ये हो गया डिलीशन. ओके, नाउ आई शो यू सम सेट ऑपरेशंस. सेट ऑपरेशंस, ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक S1 है, मैं कंप्लीटली नए सेट्स क्रिएट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5, एंड लेट्स से आई हैव S2 एंड दिस इज 3 4 5 6 7. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर यू कैन नॉट कॉन्कैटिनेट, ये ऑपरेशन अवेलेबल नहीं होता. अभी तक लिस्ट में, स्ट्रिंग में, टपल में, तीनों में ये ऑपरेशन था, सेट्स में नहीं होता. ठीक है, एंड ऑल्सो यू कैन नॉट मल्टीप्लाई सेट्स, जैसे अभी तक हो पा रहा था तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स में, यहां पे ये नहीं होता है. ठीक है, सो अगेन ये याद रखना. बट यहां पर आप लूप चला सकते हो, फॉर आई इन एस वन प्रिंट आई, दिस विल वर्क, लूपिंग चलता है. ठीक है, सिमिलरली मेंबरशिप ऑपरेटर भी काम करता है, 1 in S1 will work. ठीक है, तो अगर आप ऑपरेटर्स का बात करो तो concatenation is not working, multiplication is not working, but looping and membership operators are available. ठीक है, अगर आप functions का बात करो तो कुछ common functions जो है वो तो सब जगह पे useful है और काम आते हैं, जैसे कि length. So length of S1 will give me how many items are present inside S1. ठीक है, similarly अगर सभी same type के हैं, numerical हैं, तो आप मिन और मैक्स भी फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, और अगर आप यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट सम, बाय द वे, एंड यू कैन ऑल्सो डू सॉर्टेड ऑफ एस वन. तो दिस विल कन्वर्ट दिस सेट इनटू अ लिस्ट. ठीक है, और ऑब्वियसली आप यहां पे रिवर्स पैरामीटर भी लगा सकते हो. ये सब कुछ हम देख चुके हैं.
ठीक है। नाउ देर आर सर्टेन फंक्शंस विच आर स्पेसिफिक टू सेट्स, जो सिर्फ सेट्स यूज कर सकते हैं, ये सबसे इंटरेस्टिंग वाले हैं, ठीक है। जैसे कि एक फंक्शन होता है यूनियन, एस वन यूनियन एस टू, बाय द वे एस वन एस टू ये है, लेट मी शो यू, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एस टू और एस वन डॉट यूनियन एस टू, आई गेस आपको समझ में आ रहा है इसका आउटपुट क्या होगा, ऑल द नंबर्स, ऑल द यूनिक नंबर्स इन बोथ द सेट्स, ठीक है। देन देर इज एस वन डॉट इंटरसेक्शन, एंड अगेन आई होप आप बता पाओगे, द आउटपुट वुड बी 3, 4, 5 बिकॉज कॉमन यही दोनों है, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव एस वन डॉट डिफरेंस, डिफरेंस स्पेलिंग सही है ना, एस टू, एस वन डॉट डिफरेंस, एस टू क्या होता है, वो आइटम्स जो एस वन में है बट एस टू में नहीं है, द आंसर वुड बी 1 और 2, ठीक है। और अगर आप इसका रिवर्स लिखो, एस टू डॉट डिफरेंस एस वन, तो वो आइटम्स जो एस टू में है एस वन में नहीं है, 6, 7, ठीक है। एंड देन वी हैव एस वन डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस एस टू, तो वो सारे आइटम्स जो एक दूसरे में नहीं है, 1, 2 एंड 6, 7, ठीक है। देन वी हैव सम मोर फंक्शंस लाइक इज डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, जब दो सेट्स के बीच में एक भी आइटम कॉमन ना हो उसको डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड आंसर फॉल्स आएगा बिकॉज एस वन और एस टू के बीच में कुछ कॉमन आइटम्स हैं, ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव इज सबसेट, सबसेट मतलब एस वन के सारे आइटम्स एस टू में हैं और एस टू में खुद के भी कुछ आइटम्स हैं, ऐसा नहीं है इसलिए फॉल्स आएगा, एस वन डॉट इज सुपर सेट एस टू, क्या एस टू एस वन का सुपर सेट है, नहीं, क्या एस वन एस टू का सुपर सेट है, नहीं है, तो द आंसर वुड बी फॉल्स, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं सेट्स के लिए, ठीक है। तो या गाइस दैट्स इट, सेट्स में हमें यही पढ़ना था, इनफैक्ट इतना भी नहीं पढ़ना था, मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ ही पढ़ा दिया, एक दो फंक्शंस प्रोबेबली और होंगे, वो शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप वेट करके टाइप करके यहाँ पर देखो तो यू विल गेट लिस्ट ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट आर अवेलेबल लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ करा दिया है, एक दो शायद नहीं होंगे, वो आप एक बार खुद से चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे क्लियर वगैरह है, क्लियर आपको पता है क्या करेगा, क्लियर विल क्लियर द सेट, ठीक है। सो नाउ एस वन विल बी एन एम्प्टी सेट, ठीक है। सो दैट्स इट, सेट्स में आपको यही पढ़ना था गाइस।